हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 से रिलेटेड, क्लास 10 से सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, दीपावली घोषणा कब की गई? 1929 लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, ठीक है, 1929 लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक गठन के समय इंग्लैंड में किसकी शासन थी? तो वो थी महारानी एलिजाबेथ की शासन, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज के संस्थापक कौन थी? तो वो थी रमाबाई, ठीक है, रमाबाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जे बी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? तो वो थी पहली बार हिंदू मुस्लिम एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन के शरीक हुए थे, मतलब कि पहली बार मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर आंदोलन किए थे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो वो क्यों हुआ था, देखिए, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने उसका विरोध कर दिया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रभाव में चला गया? तो वो था 1956 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1956 में। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? तो मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में सत्याग्रह का पहला उदाहरण देखा गया? तो वो था चंपारण, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के किस आरोप पर 1908 में गिरफ्तार किए गए थे? मतलब कि बाल गंगाधर का क्या आरोप था कि 1908 में वो गिरफ्तार हो गए थे? तो वो था राजद्रोह का गिरोह, ठीक है, राजद्रोह का आरोप था, इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू महासभा स्थापित किया गया था कब? 1915 में अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि 1809 में किसके साथ हुई? रणजीत सिंह थे उस समय के, वहाँ के, उन्हीं के शासनकाल में वो अमृतसर की संधि हुई, ठीक है। 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? तो वो थी आत्मीय समाज की स्थापना। 1815 में ईस्वी में राजा राममोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में मुक्त व्यापार का मुगल फरमान अंग्रेजों को कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1717 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर क्या है, बताना है गदर क्या है? देखिए क्या है, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ है जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है, ये संघ है, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ, ये संघ है, ठीक है, संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन को किसने लिखा था? तो वो थे महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो वो थे फिरोज शाह मेहता। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए उत्तरदायी सैनिक कमांडर कौन था? तो वो थे जनरल डायर, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस संधि के साथ तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था? वो थी पेरिस की संधि। चलिए, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें कविंदर भाई चैनल। धन्यवाद।